सदन में सरकार की स्वास्थ्य और कई अन्य मुद्दों पर किरकिरी हो रही है तो दूसरी तरफ सरकार के कर्मचारी ही सरकार का नाक कटाने में तनिक भी पीछे नहीं है। और ये नजारा दिखा रोहतास जिले के दिनरा प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय अरीला रघुनाथपुर में। यहाँ की प्रधानाध्यापिका की जानकारी के बाद भी एक नहीं दो नहीं बल्कि कई तरह की अनियमितता लगातार हो रही है और ये है कि मौन साधे बैठी है। मैडम, आपके विद्यालय में जो बच्चों की पंजी है वो प्रमाणित नहीं है। आप बताइए क्यों प्रमाणित नहीं है। ग्रामीणों द्वारा मिली शिकायत के आधार पर इस विद्यालय में एक दो नहीं बल्कि कई अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद सच दिखाने के लक्ष्य के साथ न्यूज 111 की टीम दिनरा प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय अरीला रघुनाथपुर में पड़ताल करने पहुंची तो वहां की स्थिति देखकर आश्चर्यचकित रह गई। विद्यालय में बिना किसी आवेदन के शिक्षक गायब है और बच्चों को दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन भी बंद। आज क्या बना है? आपने आपने प्रिंसिपल को बोला चावल के लिए कि चावल नहीं है? अच्छा। विद्यालय पहुंचने के बाद देखा गया कि बगैर किसी लिखित आवेदन के कई दिनों से शिक्षक रंग बहादुर सिंह गायब है। जब हमारी टीम विद्यालय में पहुंची तो सहायक शिक्षक धर्मेंद्र कुमार ने टीम के सामने ही शिक्षक की उपस्थिति पुस्तिका में गायब शिक्षक का अवकाश दर्ज कर दिया। और तो और 25 साल के कार्यकाल के बाद भी प्राचार्य महोदय को इतनी बात जानकारी नहीं है कि बिना आवेदन के अवकाश दर्ज नहीं किया जाता। नहीं भैया, वो एक गांव का गए थे, मेरा तबीयत खराब हो गया मैडम, हम गिर गए हैं, ये मेरा सी अवकाश नहीं था। बगैर आवेदन का छुट्टी गए हैं जी? पहले वो तो घर अपना जी बोले कि हम आएंगे आज, लेकिन बोले कि नहीं मेरा तबीयत खराब है मैडम, हम नहीं आ पाएंगे। किया गया है और बगैर आपके अनुमति का कैसे चढ़ गया? कौन दोषी है सर? हम को इस बात को नहीं जानकारी है कि बिना आवेदन के नहीं चढ़ेगा, बोले कि मेरा तबीयत खराब है तो हम आएंगे छुट्टी लेने। आपका सेवा काल कितना दिन हुआ? 24-25। इतना ही नहीं, इस विद्यालय में चार रसोईया जिसमें एक रसोईया भी गायब था और वो भी कई सप्ताह से बिना आवेदन के बाद। इसके बावजूद भी प्रधानाध्यापिका आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई और न ही इसकी जानकारी किसी वरीय पदाधिकारी को दी है। वहीं जब प्रधानाध्यापिका से मध्याह्न भोजन से संबंधित पंजी की मांग की गई तो विद्यालय से मध्याह्न भोजन संबंधी पंजी ही गायब थी। इसकी सूचना आप लोग दिए हैं वरीय पदाधिकारी को? ना तो मैडम जी कहा गया है। इतना ही नहीं, जब विद्यालय के बच्चों से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने भी आरोपों को सही साबित कर दिया। खाना मिला है? नहीं सर। कल मिला था? नहीं सर। आज खाना मिला है? आज खाना मिला है? अब जरा इस तस्वीरों को देखिए। जब विद्यालय की स्थिति देखी गई तो तस्वीरें कुछ और बयां कर रही थी। चापा कल खुद पानी सोख चुका था, शौचालय अस्तित्व बचाने को बेचैन था और मैडम जी विद्यालय के कमरे को चरवाहा विद्यालय बना चुकी थी, तभी तो विद्यालय में उपला का ढेर भरा हुआ है। वहीं जब इसकी जानकारी हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जो आप बता रहे हैं जिला का तो व्हाट्सएप पर सूचना मिली थी और हमने आज ही एक ऑफिसर को अथॉराइज किया था वहाँ विजिट करने, लेकिन विभाग से चूँकि आज कुछ दिन हो गया निरीक्षण, सारे ऑफिसर को जो अलॉटेड स्कूल थे वहाँ चले, तो कल पहले मैं जाँच करा लेता हूँ और भी अनियमितता उसमें लिखी हुई थी जो व्हाट्सएप आया था, उसमें था कि रजिस्टर भी फेक रजिस्टर है, कोई टीचर वहाँ लगातार एब्सेंट कर रहा है, एमडीएम की का भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज थे जो व्हाट्सएप पर आए थे, तो कल मॉर्निंग उसकी जाँच कराएंगे और अगर गड़बड़ी है तो। अब सबसे बड़ा सवाल, जब ऐसे ही महान शिक्षकों के हाथों में शिक्षा व्यवस्था की बागडोर हो जिसे 25 सालों के कार्यकाल के बाद भी कई तरह की मूलभूत बातों की जानकारी नहीं, भला उनसे बेहतर शिक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है। रोहतास से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज 111 डेस्क पटना। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।